देखिए, राजनीतिक संकट है महाराष्ट्र में, और उसको हल करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा है कि शिव सैनिक मेरे पास आए और मुझे कहें कि आपका काम ठीक नहीं है, और तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तो वो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में ये बहुत स्पष्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी का खुला खेल है। और सत्ता का जो तो केंद्र में बैठे हुए हैं, जांच एजेंसियां हैं, उसका दुरुपयोग करके और धन का दुरुपयोग करके, जिस तरीके से सूरत लेके पहले जाते हैं, सूरत से फिर गुवाहाटी लेके जाते हैं, तो इसमें पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी का है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी गुजरात में, वहां पहले लेके गए, फिर आसाम में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ताकि ये सुरक्षित रहें और पूरी सुरक्षा उनको उपलब्ध होती रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना खेल जो करती आई है, जिसके लिए मशहूर है, जिसको प्रजातंत्र में, संविधान में कोई विश्वास नहीं है, ये उसी की करतूत है, उन्हीं की खेल है। लेकिन सर बीजेपी इससे डिनाई करती है। बीजेपी कहती है कि हम किसी भी शिवसेना के विधायकों के संपर्क में नहीं है, जो बागी नेता एकनाथ शिंदे हैं उसके संपर्क में नहीं है, ना हमने सरकार बनाने का दावा किया है। ऐसे में बीजेपी पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। देखिए, चोर कभी नहीं कहता कि वो चोर है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये कहते हैं कि वेट एंड वॉच हम कर रहे हैं, लेकिन ये वैसा क्या वेट एंड वॉच है कि शिवसेना के जो टूट के गए हैं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है तो वहाँ लेके जाते हैं सूरत में, उसके बाद और किसी प्रदेश में नहीं लेके जाते, वो सीधे गुवाहाटी लेके जाते हैं, वहाँ सुरक्षा उनको मिल सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में सब पूरा खेल हो रहा है।